वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं प्रणय फुलजले, इन्होंने लिखा है कि ओसीडी पर कोई एपिसोड बताएं, ओसीडी के लिए कोई होम रेमेडी बताएं। प्रणय जी, ओसीडी का मैं पहले मतलब बता देता हूँ। ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें अक्सर क्या होता है, ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें से ब्रेन जो है रॉन्ग सिग्नल देने लगता है। इसके कारण हाइजीन के लिए लोग ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, कहीं अगर जैसे सर पर टच कर लिया तो उनको लगता है कि उनके हाथ में बैक्टीरिया लग गए, वो फिर हाथ धोएंगे, और कहीं पर भी अगर छुल भी या हाथ किसी से हाथ भी मिला लिया तो भी वो हाथ धोते हैं। अक्सर इसका सिम्टम यही होता है, बार बार हाथ धोना, या लाइट को लेकर ऑब्सेशन रहता है लोगों को, वो बार बार लाइट बंद करेंगे, पंखे बंद करेंगे कई, और अगर लाइट चालू भी की बहुत अंधेरा होने तक लाइट ही नहीं चालू करते हैं, और अंधेरा होने के बाद भी लाइट चालू करेंगे तो बहुत कम चालू करेंगे, अगर दो ट्यूबलाइट है तो एक चलाएंगे या एक छोटा सा बल्ब चला लेंगे। ये भी एक ऑब्सेशन होता है, ताले का ऑब्सेशन होता है, लोगों को लगता है कि मेरा ताला खुला छूट गया तो वो बार बार लॉक करते हैं, खुद लॉक किया होगा लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगे तो उनको लगेगा कि शायद खुला छूट गया, फिर जाके चेक करेंगे, कई बार रात में उठकर भी चेक करते हैं कि लॉक किया कि नहीं। इसी तरह से दरवाज़ा बंद करने का भी एक ऑब्सेशन होता है कि उनको लगता है कि दरवाज़ा खुला छूट गया, वो बार बार स्वयं बंद किया होगा उसके बाद भी जाके दरवाज़ा चेक करेंगे कि दरवाज़ा बंद है कि नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक फीमेल को जानता हूँ, उनको नोटों से ऑब्सेशन था, उनको लगता था कि नोट लोगों के हाथ से गए हैं तो वो काफ़ी गंदे हैं, तो जब भी कोई उनको पैसे देता था तो वो पहले पैसों को जैसे कपड़े धोते हैं उस तरह से धोती थी, सुखाती थी, उसके बाद ही अपने पास रखती थी। तो ये क्योंकि ब्रेन रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, उनको लगता है कि वो ही साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, बाकी सारी दुनिया जो उनके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो बहुत गंदे लोग हैं, अनहाइजेनिक लोग हैं, ये प्रॉब्लम है। देखिए, इससे बचने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल से तरीके कर रहे हैं आपको। एक तो खाना खूब चबा चबा कर खाना है आपको, क्योंकि अगर आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं और ढंग से चबता नहीं है, सलाइवा नहीं जाता है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रखना है, ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ेगी। इसके लिए क्या करना है कि एक साथ ढेर सारा खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, दो ढाई ढाई घंटे पे आप लगभग एक हाथ एक मुट्ठी के बराबर खाना जो होता है उतना खाना ज़रूर खाएं, हर दो ढाई घंटे में 4 से 5 मील दिन भर में। इसके साथ साथ पानी खूब पीना है आपको, ज़्यादा पानी पीने से ये जो टॉक्सिन्स बने हुए हैं वो रिलीज होते हैं। चूँकि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपके जो मस्तिष्क को एनर्जी मिलती है, उसको ऑक्सीजन मिलती है और उससे इस प्रॉब्लम में काफ़ी रिलीफ मिलता है। जो चीज़ें भी आपको रिलैक्स करती हैं वो आपको करनी है। बेसिकली म्यूज़िक अच्छा लगता है, लाइट म्यूज़िक, जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है उसको सुनिए आप, वॉक कीजिए, सुबह उठ के गार्डन में चले जाइए, घास पर नंगे पैर आप वॉक कीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, इन सब चीज़ों से क्या होता है, एंड्रोफिन्स रिलीज होता है। एंड्रोफिन्स क्या है, एंड्रोफिन है फील गुड हार्मोन, तो जो फील गुड हार्मोन एक बार आपकी बॉडी में रिलीज होने लगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे आपका दिमाग जो है ये समझने लगेगा कि ये जो है ये मुझे प्रॉब्लम है, ये सारी दुनिया गंदी है और मैं अकेला साफ सुथरा हूँ, ऐसा नहीं है, ये मुझे प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रेन रॉन्ग सिग्नल दे रहा है तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि हम तो सही जा रहे हैं, दुनिया गलत जा रही है। तो आप ये एक्सेप्ट करें सबसे पहले कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, उसके बाद इसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, 4 बादाम लेने हैं, 4 अखरोट लेने हैं और 2 चम्मच फ्लैक्स सीड लेने हैं। इन सबको एक ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है और ये पाउडर जैसा फॉर्म में आ जाएगा। ये पाउडर आपको एक गिलास दूध में घोल लेना है और घोलने के बाद सुबह खाली पेट ही इस दूध का आप सेवन करें। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इस दूध में आपको 2 चम्मच शहद भी मिला लेना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी, ओसीडी की प्रॉब्लम। एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, इसके लिए आपको क्या करना है, संत पुष्पी जो पैशन फ्लावर होता है ये अगर वैसे ही मिल जाए आपको कहीं पर फ्रेश तो आप डायरेक्ट उसका सेवन कर सकते हैं, पानी में बॉईल करके उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो सिरप मिलता है आजकल संत पुष्पी का सिरप, तो 1 चम्मच सिरप लेना है संत पुष्पी का, उसमें 1/2 चम्मच अदरक का रस मिला देना है और 1/2 चम्मच मुलेठी का पाउडर मिला देना है। इन सबको मिक्स करके इसका दिन में 2 बार आपको सेवन करना है, आप देखेंगे कि जो ओसीडी की आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ आएगा। इसके साथ साथ गर्म पानी से नहाएं, इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। मसाज करें, जिस चीज़ से मैंने कहा कि एंडोफिन्स रिलीज हो, यानी कि जिस चीज़ से आपको अच्छा लगे, जो आपको रिलैक्स करती है, वो सारी आप करना है आपको। गर्म पानी से नहाएं, मसाज करें, बादाम के तेल से अपने थोड़ा सा हेड पे मसाज करें, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है,
अच्छा, निकोटीन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है आपको। निकोटीन का अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, और कैफीन का तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना है, ये ओसीडी की प्रॉब्लम को बहुत बढ़ाता है। कैफीन जो है कई तरह के एनर्जी ड्रिंक्स में, आप कुछ भी देख लें, आप कॉफ़ी भी पीते हैं तो उसमें भी कैफीन होता है, तो डीकैफ आती है, अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो उसको कैफीन निकाल कर भी एक कॉफ़ी मिलती है, उसका अगर आप सेवन कर सकते हैं अगर शौकीन है, नहीं तो कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए। आप एनर्जी ड्रिंक्स में हमेशा देख लीजिए कि कहीं कैफीन कंटेंट तो नहीं है, अगर कैफीन कंटेंट है तो उसका सेवन आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ अल्कोहल का सेवन भी लिमिट में करना है, अल्कोहल बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो ओसीडी पेशेंट है उनको लगता है कि अल्कोहल लेने से उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं है। अल्कोहल लेने से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और थोड़ी देर के लिए आपका माइंड ऐसा काम हो जाता है लो ब्लड प्रेशर के कारण, और आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिला है। फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, फोलिक एसिड आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है ओसीडी के लिए। फोलिक एसिड के लिए आप बीट रूट ले सकते हैं, बीट रूट का सेवन करें, पालक का सेवन करें, इसमें फोलिक एसिड मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, धनिया पत्ती का सेवन करें, तो ये नेचुरल तौर पे आपकी बॉडी को फोलिक एसिड मिलेगा और इससे आपको आराम आएगा ओसीडी में। इसके साथ साथ स्विमिंग करें, अगर आपके को स्विमिंग करने की सुविधा है तो स्विमिंग ज़रूर करें, उससे भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन आता है और आपको ओसीडी की प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है। तो बस इन आसान आसान से उपायों को अपनाइए और देखिए कि आपको ओसीडी की प्रॉब्लम कब गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं। और हमारे मकसद में हमारा साथ है, हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।